संवैधानिक हक और आरक्षण को पूरा खत्म करने का राज्य सरकार का दाव हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जिलाधिकारी ऑफिस पर आक्रोश मोर्चा निकालेंगे। ऐसी बात प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार परिषद में आरक्षण हक कृति समिति की ओर से कही गई। इस मौके पर आरक्षण हक कृति समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय संविधान जनक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान कर्ताओं ने देश की विषमता को खत्म करके समता प्रस्तापित करने के लिए काफी कामकाज किए थे, लेकिन राज्य सरकार ने तारीख 7 मई 2021 को एक आदेश निकाला था जिसमें पिछड़े लोगों के बढ़ते पदों के आरक्षण को गैर कानूनी तरीके से रोका गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े लोगों के उनके गुणों को देखते हुए उन्हें बढ़ती में आरक्षण देने का निर्णय दिया है। विजय खोखरे वर्सेस महाराष्ट्र सरकार के इस केस में मुख्य पिटीशन अभी भी प्रतीक्षा में है, लेकिन पिछड़े लोगों को पदों में बढ़ती आरक्षण देने का निर्णय दिया गया है। केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग ने पिछड़े लोगों के पदों में बढ़ती आरक्षण देने के लिए राज्य के सभी मुख्य सचिवों को आदेश दिए हैं। संवैधानिक हक और आरक्षण को खत्म करने का राज्य सरकार का दाव हम कभी पूरा होने नहीं देंगे। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर आक्रोश मोर्चा निकालने की चेतावनी आरक्षण कृति समिति की ओर से पत्र परिषद में दी गई। महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा 7 मेला जो निर्णय घेतलेला आहे त्या निर्णयाच्या विरोधात सर्व मागासवर्गीय संघटना एकजूट झालेल्या आहेत आणि त्याचा परिणाम आता असा झालेला आहे की पूर्ण महाराष्ट्रभर सर्वच्या सर्व SC ST NT VJNT SBC आणि OBC-सुद्धा या सरकारच्या विरोधात एकत्र आलेला आहे। या सरकारने मागासवर्गीयांचं खच्चीकरण करण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना बंद केलेल्या आहेत, शिष्यवृत्ती बंद केलेल्या आहेत, फॉरेन स्कॉलरशिप हे केलेली आहे, PSHIP बंद केलेली आहेत आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना 2-2 वर्षापासून शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही। हे सरकार संपूर्णतः मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहेत आणि म्हणून आता हे जनआंदोलन सुरुवात झालेली आहे। याची सुरुवात छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीदिनी आम्ही त्यांना अभिवादन करून या प्रश्नावरती पूर्ण एल्गार पुकारलेला आहे आणि हा लढ्याची ही पहिली सुरुवात आहे। यानंतर BJP नो काँग्रेस नो सेना हे आमचं धोरण राहणार आहे, कारण या चारही पक्षांनी आजपर्यंत मागासवर्गीयांना न्याय दिलेला नाही। यासाठी मत आमचं सत्ता त्यांची आता यापुढे होणार नाही, मतही आमचं आणि सत्ताही आमची, हा बदल आम्ही महाराष्ट्रात घडवू। प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ संजय मिरे, BCN News नागपुर।